अगर कभी भी किसी के साथ झगड़ा हो जाए या किसी नियम को किसी लो को कुछ लोगों के द्वारा तोड़ा जाए या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ दिए हैं उनको ना माना जाए तो कहाँ जाते हैं कहाँ शिकायत करते हैं कोर्ट में हमारे कंट्री में तीन प्रकार के कोर्ट हैं एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि पूरे इंडिया का ओनली वन है और उसके बाद हाई कोर्ट है जो कि हर स्टेट में अलग अलग हैं इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में होता है तो यहाँ पर लोग जाके अपनी शिकायत कर सकते हैं केस फाइल कर सकते हैं तो ये ये किस किस उसके अंतर्गत आता है आ, आप इसको टोटल इस पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे ये पूरा सिस्टम कहलाता है जुडिशरी अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जुडिशरी यानी कि न्याय प्रणाली कैसे न्याय किया जाता है तो ये सारा इस चैप्टर में दिया गया है पूरे चैप्टर को समझाने से पहले मैंने यहाँ पर इसके नोट्स दिए हैं जिसमें कि जो भी इसके मेन पॉइंट्स हैं उनको आपको समझाया है ताकि आपको लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए हेलो आई एम रुक्मणी शर्मा एंड इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द की पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर जुडिशरी क्लास एट्थ सिविक्स लेट लेट स्टार्ट जुडिशरी जुडिशरी क्या होता है जुडिशरी इज ए कोर्ट सिस्टम कोर्ट का सिस्टम है जैसे मैंने अभी आपको बताया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिज़ोल्व रिजोल्व का मतलब होता है हल करना किसको हल करते हैं ये लीगल डिस्प्यूट्स को डिस्प्यूट्स का मतलब होता है झगड़े एंड केसेस लीगल का मतलब होता है कानूनी लॉफुल जो भी हमारे कानून के हिसाब से कानून को ना मानने की वजह से झगड़े होते हैं केस बनते हैं उनको जो हल करने का एक सिस्टम है वो जुडिशरी कहलाता है और ये सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं केसेज होते हैं कोर्ट में डिसाइड होते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी जुडिशरी हमें क्यों चाहिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी जुडिशरी इज द कॉन्स्टिट्यूशंस डिफेंडर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉ दिए हुए हैं अगर कोई भी व्यक्ति लॉ को ना माने तो उसके विरुद्ध एक्शन होता है उसके विरुद्ध केस लड़ा जाता है तो इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन का बचाव करने वाला सिस्टम है क्योंकि अगर किसी के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं होगा कुछ भी किसी ने नियम तोड़ा नई बात मानी तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन को कोई माने गई नहीं तो इसीलिए उसकी रक्षा के लिए जुडिशरी है जुडिशरी इज क्रिशियल क्रिशियल का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज लॉ की क्या व्याख्या है क्या मतलब है उसका ये समझाने के लिए जुडिशरी बहुत ज़रूरी होती है इट चेक द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचिज पावर्स तीन हमारे यहाँ पीलर्स हैं एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक है लेजिस्लेटिव जैसे यहाँ पे लिखा है दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी पार्लियामेंट में लॉ बनाया जाता है जो लेजिस्टर्स होते हैं वो लॉ बनाते हैं उन्हें फिर लॉ तो बना दिया लागू भी तो करना होगा ना तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो उन्हें लागू करते हैं लागू करने में कोई कमी रह गई या बनाने में कोई कमी रह गई कुछ उसमें गलत लगता है तो ये देखने का काम करती है जुडिशरी इसके बाद है इसमें रोल ऑफ जुडिशरी जुडिशरी का रोल क्या होता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है झगड़ा जो भी झगड़े होते हैं उनको हल करना जुडिशियल रिव्यू अगर किसी लॉ में कोई कमी रह गई है या वो लोगों के फेवर में नहीं है तो उसे रिव्यू करना उसे दोबारा चेक करना वैलिडेशन ऑफ द लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हर नागरिक को हर सिटीजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिए हैं जैसे राइट टू लाइफ राइट टू एजुकेशन राइट टू फूड आपने ये पढ़े हैं काफी सारे हैं ये तो इनको लागू करना और लोगों को वैलिडेट करना ये भी जुडिशरी का काम है वॉट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी जैसे कि इंडिपेंडेंट आप क्या समझते हैं फ्री यानी कि जिसपे किसी का दबाव ना हो उसे इंडिपेंडेंट कहते हैं तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है द कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता गवर्नमेंट चाहे भंग हो जाए इलेक्शन चल रहे हों लेकिन कोर्ट अपना काम करते रहते हैं इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग एंड इस तरीके से इंडिपेंडेंट होकर काम करने से ये सुनिश्चित हो जाता है नीदर द एग्जीक्यूटिव नॉट द लेजिस्लेचर मिसयूज इज दावर के ना तो एग्जीक्यूटिव जो लागू करते हैं लोग को जो बनाते हैं ना ही वो उसमें अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते मिसयूज का मतलब गलत प्रयोग नहीं कर सकते द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द जजेस फोर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं आफ्टर कंसल्टेसन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द रेलिवेंट स्टेट सुप्रीम कोर्ट ओनली वन है इंडिया में जो दिल्ली में है और वहाँ पर एक जो सबसे बड़ा जज होता है उसे चीफ जस्टिस कहते हैं तो चीफ जस्टिस से सलाह करके कंसल्ट करके और जो उस स्टेट का गवर्नर होता है उससे कंसल्ट करके हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे लोअर हाई कोर्ट्स पूरे स्टेट में होता है एक या दो भी हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में ओनली वन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक है जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर इंडिया है हाई कोर्ट हर एक स्टेट में एक है द डिसीजन ऑफ ए हायर कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट अगर कोई भी हायर कोर्ट मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो उसे हाई कोर्ट को भी मानना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मान, मानना होगा हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना होगा सुप्रीम कोर्ट उसे जरूरी नहीं कि माने वो दोबारा से अपना केस देखते हैं मान लीजिए कोई हाई कोर्ट में केस हार गया तो वो दोबारा से अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट पूरे केस की सुनवाई दोबारा करते हैं अपने हिसाब से फिर फैसला देते हैं डिसीजन देते हैं कि उनके हिसाब से जजमेंट क्या है एक्सेस टू कोर्ट्स कोर्ट में कौन जा सकता है ऑल इंडियन सिटीजन द कोर्ट सारे इंडिया के सिटीजन कोर्ट में जो भी उन्हें अपना केस फाइल करना है कहना है कह सकते हैं एवरी इंडियन सिटीजन हैज द राइट टू सीक जस्टिस इन इंडियन कोर्ट्स हर इंडियन सिटीजन अपना कोई भी अधिकार को, किसी भी राइट के लिए अपना वहाँ पर न्याय जस्टिस मांग सकते हैं कोर्ट में किसी भी कोर्ट में द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश द मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरलिटिगेशन इन द अर्ली 1980s, 1980s में पब्लिक इंटर लिटिगेशन का प्रविधान किया गया था इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा मामला कोई भी ऐसा मैटर जो काफ़ी लोगों को प्रभावित करता है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए केस लड़ा जाता है लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमा करना और पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है पब्लिक के हित में उसे कहते हैं पिल वाई डो वी नीड ए जुडिशरी जुडिशरी की हमें जड़ती क्यों है द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी इज फॉलोड बाई द जुडिशरी जुडिशरी के द्वारा समानता का सिद्धांत माना जाता है वैन अ लॉ इज ब्रोकन जब कोई कानून तोड़ा जाता है ए सेट ऑफ फिग्ड प्रोसीजर्स मस्ट बी फॉलो टू अपहोल्ड द लॉ लॉ को बनाए रखने के लिए एक प्रोसीजर एक पूरा तरीका अपनाया जाता है एंड प्रोवाइड जस्टिस टू द अग्रीव्ड पर्सन जो परेशान दुखी व्यक्ति है पीड़ित व्यक्ति है या कई सारे व्यक्ति हैं उनको न्याय दिया जाता है अ जुडिशियल सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ को यानी कि जो भी हमारे यहाँ कानून हैं उसके रूल को बनाए रखने के लिए ये जुडिशियल सिस्टम होता है इन In इंडिया द जुडिशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए कोर्ट सिस्टम जुडिशियल सिस्टम में इंडिया में कोर्ट होते हैं सिटीजन्स कैन अप्रोच दीज कोर्ट्स कोई भी सिटीजन इस कोर्ट में जा सकते हैं वेन ए लॉ इज ब्रोकन जब भी किसी लॉ को तोड़ा जाता है द जुडिशरी इज क्रूशल ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट जुडिशरी गवर्नमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ट एनश्योर्स डेमोक्रेसी इन इंडिया जो ये श्योर करती है कि इंडिया में डेमोक्रेसी चले ऑपरेट्स इफेक्टिवली और सही से काम करे एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज रिक्वायर्ड एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत होती है सो दैट इट कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली ताकि ये किसी के दबाव में नहीं स्वतंत्र होकर काम करे एन इन अ नॉन बायस्ड मैनर नॉन बायस का मतलब है बिना किसी पक्षपात के भेदभाव के काम करें। रोल ऑफ जुडिशरी स्टूडेंट्स वुड अंडरस्टैंड द रोल ऑफ जुडिशरी इफ दे कॉम्प्रीहेंड हाउ इट ऑपरेट्स स्टूडेंट्स को तभी समझ में आ सकता है कि जुडिशरी का रोल क्या होता है अगर वो ये समझ लें कॉम्प्रिहड का मतलब होता है समझना ये काम कैसे करती है ऑपरेट का मतलब काम करना द फॉलोइंग आर द फंक्शन्स ऑफ द जुडिशरी जुडिशरी के ये काम होते हैं पहला काम क्या है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डिस्प्यूट कहते हैं झगड़े को झगड़े का हल द जुडिशियल सिस्टम्स मेकानिज्म द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स जब सिटीजन के बीच में मतलब एक आदमी और दूसरे व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो गया उसको ये आ, हल करने में मदद करते हैं बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो गया उसे भी हल करते हैं बिटवीन टू स्टेट्स बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में किन्हीं दो स्टेट के बीच में झगड़ा हो गया जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका में कावेरी वाटर्स को लेकर आप पढ़ चुके हैं उनके बीच में झगड़ा है तो उसको भी कोर्ट में ही हल किया जाता है एंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में कभी कोई झगड़ा हो तो गवर्नमेंट के बीच में तो उसे भी कोर्ट ही हल करते हैं तो किसी भी प्रकार का झगड़ा है किसी के बीच में हो सरकारों के बीच में हो स्टेट सेंटर के बीच में हो सभी प्रकार के डिस्प्यूट कोर्ट यानी कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो हल करता है जुडिशियल रिव्यू रिव्यू का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से देखना अंडर द जुडिशियल रिव्यू पावर जो रिव्यू करने की पावर है द जुडिशरी कैन ओवर टर्न सर्टेन लॉज पास बाय द पार्लियामेंट आपने पढ़ा कि पार्लियामेंट लॉ बनाती है लेकिन अगर जुडिशरी में ये कोई ये कहे कि नहीं ये ठीक नहीं है यह लॉ ठीक नहीं है इस बात को लेकर वहाँ पे कोई एप्लीकेशन दे तो जुडिशरी उसको चेक करेगी और उसे कैंसिल भी कर सकती है दिस हैपन्स वेन द जुडिशरी कंसिडर्स दैट लॉज आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक सिद्धांत हैं कि उनसे अलग हटके हम कुछ नहीं कोई नियम नहीं बना सकते अगर जुडिशरी को ये लगता है कि जो लॉ बनाया है लेजिस्लेचर्स ने वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांतों के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है तो वो उसे कैंसिल कर सकती है अप होल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स लॉ को ऊपर रखना और फंडामेंटल राइट्स को लागू करना इंडियन सिटीजन्स में फाइल ए कंप्लेंट विद द सुप्रीम कोर्ट और ए हाई कोर्ट इंडिया के सिटीजन्स सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपनी कंप्लेन दे सकते हैं अगर उन्हें ये लगे इफ दे फील दे आर फंडामेंटल राइट्स का मतलब है उल्लंघन करना वंचित करना कि उन्हें उनके फंडामेंटल राइट से वंचित किया जा रहा है फंडामेंटल राइट को कोई भी नहीं छीन सकता इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंप्लाइज द फॉलोइंग लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट परमिटेड टू इंटरफियर विद द ऑपरेशन ऑफ सच ए जुडिशरी यहाँ ऑपरेशन का मतलब है ये वो नहीं है जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है ये है कार्य प्रणाली कामकाज कि ना तो लेजिस्लेचर यानी कि जो लॉ बनाते हैं एग्जीक्यूटिव ना ही जो लोग को लागू करते हैं वो लोग गवर्नमेंट के जुडिशरी के कार्य प्रणाली में काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकते इंटरफियर नहीं कर सकते द कोर्ट इन एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी आर नॉट सबोर्डिनेट टू द गवर्नमेंट जितने भी कोर्ट हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है उसके सबोर्डिनेट नहीं है अधीन नहीं है गवर्नमेंट के Do not act on its behalf. वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं काम करते This allows the court to ensure इसे गौ कोर्ट को ये श्योर हो जाता है that neither the legislature कि ना तो लेजिस्लेचर कानून बनाने वाले nor the executive branch ना उन्हें लागू करने वाले एब्यूज देअर पावर या एब्यूज का मतलब गाली देना नहीं है एब्यूज़ का मतलब होता है मिसयूज गलत प्रयोग करना वो अपनी पावर का जुडिशरी में दखल अंदाजी करके मिस यूज़ नहीं कर सकते एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एशेंशियल इशेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी है इन प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स जो लोगों को फंडामेंटल राइट right हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है वॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया इंडिया में कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है बहुत सारे तरीके के कोर्ट्स हैं कुछ मैंने भी आपको बताया भी है आगे देखते हैं इन इंडिया द कोर्ट सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू थ्री टायर्स थ्री टायर्स हैं इट है थ्री डिफरेंट लेवल आप कह सकते हैं थ्री लेवल हैं इसके सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट में होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑल्सो नोन है सबोर्डीनेट और तहसील लेवल कोर्ट्स इन्हें सबोर्डिनेट कोर्ट कह सकते हैं इन्हें तहसील लेवल कोर्ट भी कह सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो कहते हैं दे आर लोकेटेड इन टाउन्स ये शहरों में होते हैं एंड आर रेस्पॉन्सिव फॉर रिजोल्विंग डिस्प्यूट्स फॉर द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन द कंट्री कंट्री में ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही अपना केस फाइल करते हैं ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं कि हर एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं विच आर गवर्न बाय द डिस्ट्रिक्ट जज और जिन्हें डिस्ट्रिक्ट जज गवर्न करते हैं उनका शासन होता है वहाँ पर इसके बाद है हाई कोर्ट द हाई कोर्ट इज द कोर्ट विद द हाइस्ट अथॉरिटी इन ए स्टेट हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होती है अथॉरिटी का मतलब पावर ईच स्टेट हैज इट्स ओन हाई कोर्ट हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है विच कंट्रोल्स ऑल द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट उस स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक कोर्ट हैं वो उन सबको कंट्रोल करता है हाईकोर्ट्स यूजअली हैव क्रिमिनल और सिविल केसेज हाई कोर्ट में ज़्यादातर दो तरह के केस होते हैं एक क्रिमिनल केसेस यानी कि मार पीट और मर्डर uh, इनके केसेज चोरी के केसेस सिविल केसेस जो लैंड वगैरह के मनी के मैरिज के झगड़े होते हैं उन सबको दिखता है फ्रॉम देयर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट द नेशन्स हाईएस्ट कोर्ट ये सबसे बड़ा कोर्ट है इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहते हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जो डेली डेली में है ऑल लोअर कोर्ट्स इन इंडिया मस्ट फॉलो द रूलिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजमेंट दिया जाता है जो भी रूलिंग दी जाती है उसे सारे कोर्ट को मानना होता है इंडिया में जितने भी कोर्ट हैं चाहे हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो अंडर इंडिया इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जो इंडिया का इंटीग्रेटेड आपस में जुड़ा हुआ जुडिशल सिस्टम है डिसीजंस मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट हायर कोर्ट में चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो जो भी वहाँ पर डिसीजन होंगे वो लोअर कोर्ट को मानने होते हैं जैसे मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट है ये हाई कोर्ट है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हाई कोर्ट का भी जजमेंट मानना होगा और सुप्रीम कोर्ट का भी मानना होगा और जो हाई कोर्ट है उसे सुप्रीम कोर्ट का मानना होगा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन दोनों के दिए हुए डिसीजन को पलट सकता है इसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है तो इसीलिए जो हायर कोर्ट होते हैं उन्हें जो उनके नीचे वाले कोर्ट हैं उन्हें मानना ही पड़ता है बस ये सीक्वेंस आप याद रखिए ए पर्सन में अपील टू तो द हायर कोर्ट अंडर इंडियाज जुडिशियल अपीलेट सिस्टम अगर आप किसी एक कोर्ट के जजमेंट से संतुष्ट नहीं है तो आप उससे अगले वाले हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो फैसला आया नहीं आपको पसंद आया हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट का भी पसंद नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उसे कोई चैलेंज नहीं, नहीं कर सकता इफ दे बिलीव दैट द लोअर कोर्ट डिसीजन इज नॉट करेक्ट और जस्टिफाइड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आएगी और आगे की वीडियो में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एन के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी उन वीडियो को भी आप देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी कमिंग वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले थैंक यू